नमस्कार, मैं हूं प्रिया। हमारे द्वारा पूछे जा रहे सवालों के जवाब को देखकर हमारी टीम ने यह फैसला किया है कि अब हम अपने व्यूअर को कुछ गिव अवे भी देंगे, तो इस वीडियो को एंड तक देखें और ध्यान से सुने। तो चलिए जानते हैं बिहार की 25 बड़ी खबरों को। विशेष अभियान के तहत जदयू ने बनाए अध्यक्ष और सचिव। बिहार के हर बूथ पर अध्यक्ष की नियुक्तियों को लेकर जनता दल यूनाइटेड एक विशेष अभियान चला रही थी, जिसके तहत 15 नवंबर से जदयू एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया था, जिसमें जदयू का यह दावा है कि अब तक पार्टी कुल मिलाकर 42,000 बूथों पर अध्यक्ष और सचिवों की नियुक्ति कर चुकी है। साथ ही साथ 23 और 24 नवंबर को पार्टी द्वारा चलाए गए विशेष अभियान में और भी ज्यादा तेजी आने की बात कही गई है। वाल्मीकिनगर में अब नेटवर्किंग की कोई चिंता नहीं। लंबे इंतजार के बाद वाल्मीकिनगर पार्क का रास्ता पर्यटकों के लिए खोल दिया गया है, मगर अक्सर इस पार्क में घूमने गए लोगों की शिकायत में सबसे पहले पायदान पर पार्क परिसर में मोबाइल में नेटवर्क का नहीं आना है। ऐसे में सरकार ने इसका भी समाधान निकाल लिया है, जिसके तहत अतिथि भवन के परिसर में लगाए गए BSNL के मोबाइल नेटवर्क को चालू करने की सोच विचार किया जा रहा है, जिससे कि अब उन इलाकों में रहने वाले लोगों को आसानी से नेटवर्क मिलेगा। जल्द ही लागू हो सकता है एक समान वेतन का प्रावधान। सभी जूनियर इंजीनियर्स के लिए खुशखबरी। राज्य सरकार सभी विभागों के जूनियर इंजीनियर को एक समान वेतन देने का मन बना रही है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि हाल में जूनियर इंजीनियर ने अलग अलग वेतन मुहैया करवाने पर सवाल उठाए थे, जिसके बाद सरकार ने सभी को एक समान वेतन देने का फैसला किया था। इस नए आदेश के बाद अब सभी जूनियर इंजीनियर की न्यूनतम राशि 27,000 होगी, वहीं अधिकतम राशि 36,000 होगी। पैक्स चुनाव में नामांकन आज से शुरू। बिहार में जल्द ही पैक्स चुनाव का शुभारंभ होने जा रहा है। 5 चरणों में होने वाले इस चुनाव में पहले चरण के लिए नामांकन भरने की प्रक्रिया आज से शुरू होगी, जो 28 नवंबर तक चलेगी, जबकि पहले चरण का यह चुनाव 9 दिसंबर को करवाया जाएगा। आपको बता दें, पहले चरण के चुनाव में 7 ब्लॉक में 76 अध्यक्ष नामांकन भरेंगे, जो कि सुबह 11 बजे से 3 बजे तक करवाया जाएगा। बिजली की मांग पहुंची 5800 मेगावाट के पार। बिहार में बिजली की अधिकतम मांग 5800 मेगावाट तक पहुंच चुकी है। बताया गया है कि बीते शुक्रवार और शनिवार को सुबह 7 से 11 और शाम को 5 से 9 बजे के बीच बिजली की मांग अधिक देखी गई है। हालांकि ठंड के दस्तक के साथ ही बिजली की आपूर्ति सामान्य से कम हो गई है। बिजली की खपत शुक्रवार को 3800 तो वहीं शनिवार को 3189 मेगावाट दर्ज की गई है। ठंड के दस्तक के साथ ही अब बिजली में कटौती भी देखी जा रही है। व्यापार मेले में बुद्ध की प्रतिमा बन रही है आकर्षण का केंद्र। दिल्ली के प्रगति मैदान में आयोजित व्यापार मेले में बिहार का बोलबाला देखने को मिल रहा है। बिहार पवेलियन में लगे टेराकोटा सीकी स्टोन और टिकुली कला का प्रदर्शन दिल्ली के लोगों को काफी ज्यादा पसंद आ रहा है। व्यापार मेले में बिहार पवेलियन से लोगों ने खूब खरीदारी भी की है, साथ ही साथ बिहार के मशहूर व्यंजनों का लुत्फ भी भरपूर उठा रहे हैं। इसके अलावा बिहार पवेलियन में हैंडलूम और हैंडीक्राफ्ट उत्पाद, भागलपुर के तसर सिल्क और बिहार के लाख की चूड़ियां आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। बिहार कैबिनेट ने 1534 नए पदों की बहाली को दी मंजूरी। राज्य मंत्रिमंडल ने विभिन्न विभागों में 1534 नए पदों की बहाली के लिए मंजूरी दे दी है। आपको बता दें, पटना में इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी और इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान के लिए कुल मिलाकर 389 पद हैं और 134 पद दो नवनिर्मित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों के लिए हैं। वहीं पटना के सरकारी भवनों और पार्कों की देखभाल के लिए 1000 पदों पर बहाली निकाली गई है। पटना यूनिवर्सिटी छात्र संघ चुनाव के लिए नामांकन फॉर्म की बिक्री हुई शुरू। पटना यूनिवर्सिटी छात्र संघ चुनाव का बिगुल बज चुका है, जिसके तहत यह चुनाव 7 दिसंबर को होगा। वहीं इस चुनाव में नामांकन दर्ज करवाने की प्रक्रिया की आखिरी तारीख 26 नवंबर यानी कि आज है। जिन भी छात्रों को इस चुनाव के लिए नामांकन दर्ज करवाने हो, वो जल्दी कर ले। इसके अलावा इस बार के छात्र संघ चुनाव में काउंसलिंग पद की संख्या में बढ़ोतरी की गई है, जिसके तहत इस संख्या को 23 से बढ़ाकर 25 कर दी गई है। धनराज पिल्लई पहुंचे पटना। भारतीय हॉकी टीम के कप्तान रह चुके धनराज पिल्लई के पटना आने से हॉकी खेल प्रेमियों में अलग ही उत्साह देखने को मिला है। आपको बता दें, धनराज पिल्लई पटना में प्रदर्शनी मैच खेलने आए थे, जहां धनराज पिल्लई की टीम ने मैच की शुरुआत से ही अपनी बढ़त बनाए रखी थी, मगर जैसे जैसे मैच आगे बढ़ा वैसे वैसे कोच हरेंद्र सिंह की टीम ने अपने शानदार प्रदर्शन से इस मैच को बराबरी पर रोकने में सफल हो पाई। 3 दिन से राजगीर महोत्सव का हुआ शुभारंभ। राजगीर में होने वाले 3 दिवसीय राजगीर महोत्सव का शुभारंभ हो चुका है, जिसका उद्घाटन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया, जहां उद्घाटन के समय में पर्यटन मंत्री कृष्ण कुमार ऋषि, ग्रामीण मंत्री श्रवण कुमार, शैलेश कुमार समेत कई मंत्री मौजूद रहे। आपको बता दें, इस 3 दिवसीय राजगीर महोत्सव में सांस्कृतिक कार्यक्रम के साथ साथ गजल और संगीत का भी कार्यक्रम होगा, जहां मशहूर गजल गायक पंकज उदास भी मौजूद रहेंगे। बिहार के पश्चिम चंपारण के वाल्मीकि नगर में आपको मिलेगी ये सुविधाएं। आज इस सेगमेंट में हम पश्चिमी चंपारण के वाल्मीकि नगर पार्क की बात करेंगे। वाल्मीकि नगर पार्क बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है। अगर आप प्रकृति की खूबसूरती का दीदार करीब से करना चाहते हैं, तो वाल्मीकि नगर पार्क का भ्रमण करने जरूर जाएं। 900 किलोमीटर में फैले इस उद्यान की स्थापना 1990 में हुई थी, जहां पर आप बाघ, भेड़िया, हिरन,
तेंदुआ, नीलगाय और भी विभिन्न प्रजातियों को देख सकते हैं। यहाँ की महिमा का गुणगान हम धर्म शास्त्रों में पढ़ते आए हैं। यहीं पर माता जानकी ने अपने पुत्र लव को जन्म दिया था। यही वो जगह है जहाँ लवकुश ने अश्वमेध का घोड़ा पकड़ा था। यही वो स्थान है जहाँ माता सीता धरती में समाई थी। यहाँ आपको तीन नदियों का त्रिवेणी संगम भी देखने को मिलेगा। जंगलों के बीचों बीच मंदिर बना है। वहीं पर्यटकों के रुकने के लिए भी खासम खास बंदोबस्त देखने को मिलेगा। इस पार्क के विकास में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का योगदान काफी अहम माना जाता है। अब आइए हम जानते हैं बिहार के जाने माने हस्ती के बारे में। आज हम बात करेंगे नेहा शर्मा की। नेहा शर्मा मूल रूप से बिहार की निवासी है। नेहा का जन्म बिहार के भागलपुर जिले में 21 नवंबर 1987 में हुआ था। नेहा ने अपने जीवन की प्रारंभिक पढ़ाई भागलपुर के ही माउंट कार्मेल स्कूल से की थी, जिसके बाद उन्होंने फैशन डिजाइनिंग की भी अपनी पढ़ाई की थी। बतौर एक्टर नेहा की कई फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर अच्छा काम भी किया है। नेहा को उनके अभिनय के कारण कई सारी फिल्मों में काम करने का मौका भी मिला है। नेहा ने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत द क्रूक फिल्म से की थी, जिसके बाद नेहा ने तेरी मेरी कहानी में छोटे रोल के अलावा क्या कूल है हम यंगिस्तान जैसी फिल्मों में भी काम किया है। नेहा की इन उपलब्धियों पर बिहार समेत पूरे देश को उन पर नाज है। साइंटिस्ट समेत 43 पदों पर निकाली गई रिक्तियां। एमपीपी सीबी भोपाल ने 43 पदों पर असिस्टेंट इंजीनियर और साइंटिस्ट पदों के लिए रिक्तियां निकाली है। इन पदों पर आवेदन भरने की अगर हम शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो एमई, एमटेक, मास्टर्स डिग्री के साथ एनईटी, गेट परीक्षा में पास होना अनिवार्य होगा। वहीं आयु सीमा की अगर हम बात करें तो अभ्यर्थी को 21 से 40 वर्ष के बीच होना अनिवार्य होगा। साथ ही साथ इन पदों पर आवेदन भरने के लिए आवेदन शुल्क की अगर हम बात करें तो विभिन्न श्रेणियों के अनुसार 800 से 1000 रुपए देना होगा। इच्छुक उम्मीदवार 30 नवंबर तक www.mppcb.nic.in पर जाकर आवेदन भर सकते हैं। इस योजना के तहत आपके खाते में जाएंगे 6000 रुपए। किसानों के लिए अच्छी खबर है। जिन किसानों को किसान सम्मान निधि से अब तक लाभ नहीं मिल पाया था, उसके लिए बिहार सरकार ने अब रास्ता साफ कर दिया है। अब सभी किसानों को किसान सम्मान निधि का लाभ मिल पाएगा। पंचायती राज विभाग के द्वारा एलजी कोड नहीं दिया गया तो अब कृषि विभाग ने केंद्रों में डमी एलजी कोड की मांग की है। केंद्र भी इस बात पर सहमत हो गया है। डिजिटल इंडिया के तहत सभी जिला प्रखंड और गाँव को एलजी कोड बनाया गया है। उसी कोड के आधार पर किसान सम्मान से जुड़ी योजनाओं को केंद्र सरकार सत्यापित करती है। चुनावी सभा को संबोधित करने से पहले पुस्तक का किया लोकार्पण। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गया के डाल्टेगंज में चुनावी सभा को संबोधित करने पहुंचे थे, जहां उन्होंने चुनावी सभा को संबोधित करने से पहले एक कॉफी टेबल बुक का लोकार्पण किया, जिसके पश्चात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनावी सभा को संबोधित करने के लिए रवाना हो गए। आपको बता दें, प्रधानमंत्री मोदी सोमवार को 11:10 पर ही गया पहुंच गए थे, जहां उनका स्वागत बिहार सरकार के मंत्रियों ने किया। जगदानंद सिंह बने राजद के नए प्रदेश अध्यक्ष। राजद में संगठनात्मक तौर पर बड़ा बदलाव होता नजर आ रहा है। जगदानंद सिंह को पार्टी का नया प्रदेश अध्यक्ष बना दिया गया है। आपको बता दें, जगदानंद सिंह के प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त होने से पहले लालू परिवार के करीबी माने जाने वाले रामचंद्र पूर्वे को यह कमान सौंपने के कयास लगाए जा रहे थे, मगर ऐसा हुआ नहीं। राजद ने बतौर प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह को यह कमान सौंप दी है। अगर भाजपा से किया होता गठबंधन तो आज मुख्यमंत्री हम होते। उक्त बातें नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कही है। विधानसभा के दूसरे शीतकालीन सत्र में उन्होंने मीडिया से बातचीत के दौरान कहा कि महाराष्ट्र में चल रही राजनीतिक उथल पुथल ठीक वैसी ही है जैसी बिहार में देखने को मिली थी। अगर उस वक्त हमने भाजपा के साथ गठबंधन कर लिया होता तो आज मुख्यमंत्री पद पर हम कार्यरत होते और सुशील मोदी बतौर उप मुख्यमंत्री अपना पदभार संभाल रहे होते, लेकिन हमारे सिद्धांत और नीतियों ने ऐसा करने से हमें रोक दिया था। महाराष्ट्र की राजनीति का फैसला होगा आज। महाराष्ट्र में जारी उथल पुथल पर आज पूर्ण विराम लगाए जाने की उम्मीद जताई जा रही है। दरअसल महाराष्ट्र में सरकार गठन को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला सुनाएगी, जिससे कि यह साफ हो जाएगा कि आखिर सरकार किसकी बनेगी। आपको बता दें, कुछ दिनों पहले महाराष्ट्र की राजनीति में रातों रात बड़ा फेरबदल देखने को मिला था, जब शिवसेना कांग्रेस एनसीपी गठबंधन के बजाय भाजपा के देवेंद्र फडणवीस ने बतौर मुख्यमंत्री शपथ ग्रहण किया था। उसके बाद से ही महाराष्ट्र की राजनीति में अस्थिरता देखने को मिल रही है। घर से निकलते ही खेसारी ने खोले घर वालों के पोल। बिहार की शान खेसारी लाल यादव का सफर बिग बॉस के घर में खत्म हो चुका है, जिसके बाद घर से निकलते ही खेसारी लाल यादव ने शो के फॉर्मेट और कंटेस्टेंट के बारे में कई सारे राज भी बताए हैं। घर से बेघर होने के बाद अपने दिए गए इंटरव्यू में खेसारी लाल यादव ने कहा कि इस घर में इंसान के रूप बदल जाते हैं। इस शो का फॉर्मेट मुझे नहीं जमा। यहां लोगों को लगता है कि एक दूसरे के बारे में अपशब्द का प्रयोग करने से उन्हें इस शो में पहचान मिलेगी। प्रवासी बिहारियों के लिए अगले साल पटना में होगा सम्मेलन। आगामी विधानसभा चुनाव में अभी काफी समय शेष है। ऐसे में बिहार भाजपा ने पहले ही तैयारियां शुरू कर दी है। भाजपा अपना संगठन चुनाव दिसंबर तक पूरा कर लेगा, जिसके बाद से भाजपा आगे की तैयारियां शुरू कर देगा। इसके तहत भाजपा बिहार से बाहर रहने वाले बिहारी या यूं कहे बिहार प्रवासियों को भाजपा साथ में जोड़ने की तैयारी कर रहा है। इसलिए भाजपा ने अगले साल 29 फरवरी को पटना में प्रवासी सम्मेलन का आयोजन किया है।
मांझी ने दी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को सलाह। हम प्रमुख जीतन राम मांझी की खुद की पार्टी बीच मझधार में फंसी है, मगर वो राजनीतिक बयानबाजी से फिर भी नहीं चूक रहे हैं। हाल ही में उन्होंने नीतीश कुमार को अपनी ओर से हिदायत दी है। उन्होंने कहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को संभल कर चलने की जरूरत है, वरना उनकी भी पार्टी का हाल बिहार में कुछ वैसा ही हो जाएगा जैसा अभी महाराष्ट्र में जारी राजनीति में हो रहा है। अब आइए जानते हैं सराफा बाजार और पेट्रोल डीजल के क्या थे भाव। अगर हम सराफा बाजार की बात करें तो सोने का भाव 25 नवंबर को 22 कैरेट के लिए प्रति ग्राम 3,751 रुपए था, वहीं 24 कैरेट के लिए प्रति ग्राम 3,851 रुपए था। वहीं अगर हम चांदी की बात करें तो चांदी का भाव प्रति किलो 46,700 रुपए था। इसके अलावा राजधानी पटना में पेट्रोल की कीमत 80.49 रुपए प्रति लीटर थी, वहीं डीजल 71.11 रुपए प्रति लीटर था। अब आइए बढ़ते हैं मौसम की खबरों की ओर। पछुआ हवा चलने से ठंड का असर बढ़ने लगा है। ठंड के इस मौसम में आइए जानते हैं मौसम विभाग का पूर्वानुमान क्या कहता है। अरवल, सारण, दरभंगा, गया, किशनगंज, लखीसराय, मधुबनी, मुंगेर, पटना, पूर्णिया, बेगूसराय, भागलपुर, अररिया, बांका, शेखपुरा, सीतामढ़ी, जमुई, कटिहार, मधेपुरा, नालंदा, नवादा, सहरसा, समस्तीपुर, सुपौल, कैमूर में हल्की धूप के साथ ही ठंड दिन और रात के समय में महसूस होगी। वहीं मुजफ्फरपुर, खगड़िया, वैशाली, सिवान, रोहतास, औरंगाबाद, भोजपुर, बक्सर, ईस्ट चंपारण, गोपालगंज, वेस्ट चंपारण, जहानाबाद, शिवहर में भी सुबह के वक्त हल्की धुंध देखने को मिलेगी, मगर मौसम पूरे दिन सामान्य रहने के आसार होंगे। वहीं रात होते होते ठंड का असर भी दिखने लगेगा। कोहली के बयान से नाराज गवास्कर ने जारी किया बयान। पूर्व भारतीय बल्लेबाज सुनील गवास्कर ने कोहली के एक बयान पर नाराजगी जताते हुए अपना बयान जारी किया है। दरअसल ऐतिहासिक डे नाइट टेस्ट के खत्म होने के बाद स्टार भारतीय कप्तान विराट कोहली ने कहा था कि भारतीय टीम ने चुनौतियों का सामना करना सीख लिया है और यह सब दादा यानी सौरव गांगुली की टीम से शुरू हुआ था। कोहली के इस बयान से असंतुष्ट होकर गवास्कर ने कहा कि विराट कोहली बीसीसीआई अध्यक्ष सौरव गांगुली को खुश करने के लिए ऐसा बोल रहे हैं, क्योंकि भारतीय टीम उस समय 70-80 के दशक में भी जीत रही थी जब कोहली का जन्म भी नहीं हुआ था। जदयू के स्टार प्रचारकों में दिखेंगे बड़े चेहरे। आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों में सभी पार्टियां जुट गई हैं। इसी क्रम में जदयू प्रवक्ता ने मीडिया से बातचीत के दौरान बताया कि आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर मैदान में उतरी सभी प्रत्याशियों के लिए प्रचार प्रसार करने के लिए पार्टी ने स्टार प्रचारकों की सूची तैयार कर दी है, जिसमें प्रशांत किशोर, ललन सिंह, आरसीपी सिंह के नाम शामिल है। कल पूछे गए सवाल का जवाब बहुत लोगों ने हमें कमेंट करके बताया है, जिससे कि हमें काफी सारे जगहों के बारे में जानने का मौका मिला। जिन भी लोगों ने कमेंट करके इस सवाल का जवाब दिया है उन्हें हमारी टीम की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। तो अब बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। कल आपने हमें अपने जिले के धार्मिक स्थलों के नाम बताए थे, आज आप अपने जिले में घूमने के कौन से सबसे अच्छी जगह है उसका नाम बताएं। अपने जवाब आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। जैसा कि हमने आपको पहले ही बता दिया था कि आज के सवाल के जवाब के लिए बिहारी न्यूज की तरफ से आपको गिव अवे दिया जाएगा, मगर इसको पाने के लिए सिर्फ कमेंट करना काफी नहीं होगा। इसके लिए हमारी आज की वीडियो पर 5,000 लाइक्स होना अनिवार्य होगा, जिसके पश्चात हम YouTube रैंडम कमेंट पिकर से कमेंट पिक करेंगे, जिसके बाद हम जीतने वाले व्यूअर को गिव अवे के रूप में यह 16 GB पेन ड्राइव देंगे। मौका ना गवाएं, वीडियो को 5,000 लाइक तक पहुंचाएं और कमेंट करना ना भूलें, क्योंकि गिव अवे लेने के लिए दोनों ही बेहद जरूरी है।